नगर की सक्रिय सामाजिक संस्था हम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नवरात्र एवं रमजानुल मुबारक के मौके पर नगर के अस्पतालों में एवं हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिरों को फल वितरित किए गए। सोमवार को सामाजिक संस्था हम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सोहराब अहमद के नेतृत्व में नगर के हॉस्पिटल व मरीजों, तामीरदारों व हॉस्पिटल स्टाफ सहित नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों में मुसाफिरों को नवरात्र व रमज़ान के उपलक्ष में फल वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोहराब ने बताया कि हमारा मकसद लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना और नवरात्र व रमज़ान के मुबारक समय में एक दूसरे की मदद करना। उधर संस्था के उपाध्यक्ष नदीम इद्रीस ने कहा कि हम का मतलब है ह्यूमनिटी, यूनिटी, मर्सी, इंसानियत, एकता, दया, यानी इंसानियत के साथ साथ आपको एकता को साथ लेकर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने शहर, अपने जनपद के इस तरह के कार्य को करते रहना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर सोहराब, मोहम्मद शादाब, नदीम इद्रीसी, नबील सिद्दीकी, मोहम्मद सलमान, मनोज शर्मा, मुफ्ती शहजाद, इजहार नबी, शकाफत एस भारती, अब्दुल मुत्तलिब, मोहसिन सिद्दीकी अब्दुल्ला, शाजीब मोहम्मद शादान, अब्दुल्ला सैफी, मोहसिन इकबाल, ज़ुबैर हन्नान, आकिफ फैसल, सलमान आदि संस्था की पदाधिकारी व सदस्यों ने हिस्सा लिया। आज आप लोग नेशनल हाईवे पर हैं और पूरी टीम के साथ हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप किसी संस्था से हैं, तो आप अपने विषय में पूरी जानकारी दीजिए। हम जो हैं, हम वेलफेयर सोसाइटी, HUM, ह्यूमैनिटी, यूनिटी, मर्सी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जैसा कि हम हर साल रमज़ान में और नवरात्रि में फल वितरित करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में, जैसे नवरात्र भी चल रहे हैं और रमज़ान भी है, उसी के उपलक्ष्य में हम जो है ये हमने फल वितरित का प्रोग्राम किए गए। ये हम लोगों के द्वारा लगभग 500 लोगों को फल वितरित किए गए हैं, जिसमें हमने कोशिश की है ये पैगाम देने की लोगों को कि जो भी आपके पास है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर करो। शेयरिंग इज़ द वे ऑफ। इसकी बेसिक वजह तो ये है कि हम लोग आपस में लोगों में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे की मदद करें, किसी की परेशानी में काम आए, लोगों को इसी वजह से मोटिवेट करना हम कर रहे हैं और दूसरे लोग भी हमें देख कर ये कार्य करें। आगे भी इसी प्रकार के आयोजन, इस तरीके का भविष्य में भी इस तरीके का कार्य करते रहें।